मेरा फादर एक बिजनेसमैन है, तो मेरे अंदर भी वही रहता था कि मुझे भी बिजनेसमैन बनना है। तो ऐसा लगा कि अब क्या, अब ये तो स्टार्ट तो कर दिया, अब इसको एक्सपेंसेस भी तो निकालने। मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई कि मैंने कुछ गलत लोगों के साथ ट्रस्ट किया, एक्सपेंसेस खत्म नहीं होते, इनकम खत्म हो गई, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। देन ऐसे ही एक दिन इंटरनेट एक्सप्लोर करते हुए मेरे को ऐड दिखा, तो उन्होंने मुझे ऐसे ट्रिक्स बताए, उन ट्रिक्स के बाद मेरी लाइफ बदल गई। अपने करियर में आगे बढ़िए अपना ऐप के साथ, जो आपको सिर्फ जॉब सर्च नहीं बट नेटवर्क बनाने में, स्किल्स डेवलप करने में एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों के जवाब पाने में भी हेल्प करेगा। डाउनलोड दी अपना ऐप टुडे। नमस्ते, मेरा नाम है ओजस्वी चावला। मैं दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा हुआ। तो बचपन में मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा मेरे फ्यूचर को लेके काफ़ी टेंशन रहती थी कि ये बड़े होके क्या करेगा। मेरे मार्क्स भी कुछ खास नहीं आते थे। तो मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ तो मेरे फादर ने एक इंटरनेट से एक ट्रैवल कंसल्टेंट का क्रैश कोर्स सर्च किया, तो उन्होंने मुझे वो सजेस्ट किया। देन मैंने वो ज्वाइन किया और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से विद इन 3 मंथ्स मैंने वो कंप्लीट कर लिया और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। और उसके तुरंत बाद ही मुझे एक जॉब ऑफर भी मिला एक ट्रैवल एजेंसी में। तो उस तब प्रॉब्लम ये आई कि मैं अभी 18 साल का नहीं था, जो कि एक मिनिमम एज होनी चाहिए। तो 3 महीने अभी थे उस पीरियड को, तो 3 महीने वेट किया। 3 महीने बाद जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन जॉब भी ज्वाइन कर ली मैंने। तो वो एक 18 साल का लड़का, जब आप फर्स्ट टाइम ऑफिस जाते हो आपको पता ही है कैसा एक्सपीरियंस होना होता है। तो वो एक ऑफिस वाला माहौल था, शुरुआत में काफ़ी खुशी हुई कि आप एक मुझे एक जॉब मिल गई है, मेरा करियर स्टार्ट हो गया है। बट डाउन द टाइम, थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि वो एनवायरनमेंट मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज लोग मेरे से काफ़ी बड़े थे, मेरे कलीग्स काफ़ी बड़े थे और काम का भी प्रेशर हुआ करता था उस टाइम पे उस एज के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि ये जॉब छोड़ देना चाहिए, तो मैंने वो छोड़ दी विद इन 3 to 4 months। देन नेक्स्ट जॉब स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे तुरंत ही मिल गई थी नेक्स्ट जॉब। देन वो जॉब काफ़ी अच्छी थी, मैंने स्टार्ट किया। मेरा फादर एक बिजनेसमैन है, तो मेरे अंदर भी वही रहता था कि मुझे भी बिजनेसमैन बनना है, लेकिन करना क्या है ये डिसाइड करना था। तो 2-3 महीने में डिसाइड किया, एक आइडिया तैयार हुआ, तो वो जॉब छोड़ दी मैंने। तो जो भी मेरी सेविंग्स थी, मेरी सैलरी से मैंने सेव किया, फंड्स जो जितने भी मैंने सेव किए थे उन सबको इन्वेस्ट किया, एक बिजनेस अपना सेटअप किया, एक ट्रैवल एजेंसी अपनी खुद से स्टार्ट की। तो जब स्टार्ट की तब काफ़ी अच्छा लगा कि अब मैं इंडिपेंडेंट होने वाला हूँ, अपना मैं एक एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ। तो अब इतना आसान नहीं था ये जर्नी, जब 3-4 महीने जब स्टार्टिंग में कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे, लोगों को पता नहीं था मेरे बिजनेस के बारे में, तो ऐसा लगा कि अब क्या, अब ये तो स्टार्ट तो कर दिया, अब इसको एक्सपेंसेस भी तो निकालने। कुछ इनकम नहीं हो रही थी, बिजनेस था बट बहुत कम था। 4-6 महीने बाद ऐसा लगा कि अब मैं गलत डिसीजन ले चुका हूँ और नेगेटिविटी का माहौल एक मेरे आसपास हो गया था कि अब क्या करना चाहिए, या तो ये बिजनेस बंद ही होगा नेक्स्ट स्टेप, बट मैं वो चाहता नहीं था। तो मैंने अपने फादर से ये अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है बिजनेस का, तो उन्होंने मुझे ऐसे ट्रिक्स बताए, उन ट्रिक्स के बाद मेरी लाइफ बदल गई कि जो एक MBA में सिखाया जाता है। उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कस्टमर्स कैसे ढूंढने, तो उन्होंने कहा मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। एक तो मेरे मार्केटिंग के तो जो मेरे तरीके थे वो बहुत गलत थे, उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन दिखाया कि आपको आपको ऑडियंस कहाँ मिलेगा, आपका कस्टमर कहाँ मिलेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि एक मंदिर के आसपास नॉनवेज की शॉप नहीं होती है, तो वहाँ पे उसका कस्टमर नहीं आएगा। उसी तरह उन्होंने मुझे बताया कि एक न्यूज़पेपर में पैम्पलेट देने से अच्छा है डिजिटल बिजनेस लिस्टिंग्स में अपना बिजनेस लिस्ट कराओ, वहाँ से नेटवर्क बनाओ। तो मैंने ऐसे ही किया। दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि जब एक बार आपके पास कस्टमर आ गया तो उसको रिटेन कैसे करना है कि वो दोबारा कहीं नहीं जाएगा, उसको लॉयल कस्टमर कैसे बनाना है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, तो उसका उस चीज़ का मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि उस 2 साल के बाद मैंने आज के उसके बाद मार्केटिंग में कभी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और वो मुझे क्लाइंट्स मिलते गए डाउन द टाइम। आप सबको पता है कि उसके बाद डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, अब भी अप्स एंड डाउन्स आए, बट स्टिल बिजनेस चलता रहा और बिजनेस ग्रोथ पे था। देन एक लेवल की जब एक्सपेंशन का लेवल आया, तब मेरे से भी कुछ गलतियां हुई कि मैंने कुछ गलत लोगों के साथ ट्रस्ट किया। जब मेरे को लगा कि एक्सपेंड करना चाहिए तो नए लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो वहाँ मैं नेटवर्किंग बनाने में मैं वहाँ असफल हुआ। उन लोगों के सामने मेरे साथ थोड़ा बिजनेस में आप कह सकते हैं फ्रॉड हुआ मेरे साथ, और लास्ट में मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ। वो
मैं लॉस बेयर नहीं कर पाया, मुझे लोन लेना पड़ा, मैं डेप्ट में आ गया। बट उस टाइम फिर मैं इतने डेप्ट में आ गया, बट वो बिजनेस भी एक तरह से, मेरा कस्टमर्स भी एक तरह से, मैं डाउनफॉल पे आया। देन उसके बाद कुछ नहीं था मेरे पास, कि अभी एकदम से ब्लैंक हो गया था कि अब आगे कैसे जाना है, और पीछे मैं जाना नहीं चाहता था। देन फिर अब मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी सर्विस पर ध्यान देना पड़ेगा, कि अब सर्विस में ऐसा क्या किया जाए कि मैं अपने क्लाइंट्स को दोबारा ले आऊँ, और नए क्लाइंट्स कैसे बनाए जाए। देन मैं सिर्फ एयर टिकट्स बेचता था, एयर टिकट्स मुझे काफ़ी अच्छे से आता था बेचना, मुझे उन सारी पूरी प्रोडक्ट नॉलेज हुआ थी। होटल्स में मैं काफ़ी अच्छा तरह से डील करता था। बट अब एक ऐसी चीज़, फिर मैंने सोचा कि अब ऐसी चीज़ें को भी जोड़ा जाए जो हम अभी तक नहीं कर रहे थे। फिर हमने अपनी बिजनेस को एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने का किया, प्रोसेस किया। देन वो 4 मंथ्स का मेरा एक प्रोसेस था, जिसमें मैंने वीज़ाज भी ऐड किए, ट्रैवल इंश्योरेंस भी ऐड किया। बट वो ऑफिस में एक ऑफिस चेयर में बैठ के नहीं किया जा सकता था, जो कि जैसे पहले काम चल रहा था। देन वो काम, वो टाइम आया भाग दौड़ करने का, मेहनत करने का। मैं वीज़ाज में अगर कि जिन लोगों को पता है, उनको पता है कि फाइल बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक लेमैन का काम नहीं होता, उसके लिए आपको पूरा प्रोफेशनली काम करना पड़ता है। एम्बेसीज में आपको सबमिशन के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आपको सुबह जाके लाइन में लगना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है, 3-3, 4-4 घंटे आपके वहीं ख़राब हुआ करते थे। तो ये आपका आधा दिन वहाँ ख़त्म होता था, जब आप एक ही कस्टमर में जब आपको चला जाता था। बट आपको सर्विस देनी है, आपको कमिटमेंट्स हैं आपके, तो आपको करना ही करना है। सेकेंड हाफ का जो डे हुआ करता था, आपको जो बाकी क्लाइंट्स हैं उनकी फाइल कोऑर्डिनेट करना, फाइल्स बाकी देर रात तक फाइल्स कंप्लीट होती थी, सुबह भी जल्दी उठना होता था। तो वो एक साल का ड्यूरेशन ऐसा था कि हमने अपना क्लाइंट बेस इतना स्ट्रांग कर लिया हमने। तो मैं कहूँ, मैं उसमें मैं तो था ही, मेरे साथ मेरे फ्रीलांसर्स जो थे जिनको मैंने हायर किया हुआ था, तो उन लोगों ने भी मेरे साथ काफ़ी अच्छे से, मैंने एक टीम बना ली थी बाय द एंड ऑफ 2018। वो एक काफ़ी सक्सेसफुल ईयर था। और बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 मैं बिल्कुल डेब्ट फ्री हो गया था। और वो उसके बाद से जो पीरियड शुरू हुआ, वो मेरे करियर का गोल्डन टाइम था। उस गोल्डन टाइम में मैंने बड़े बड़े इवेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे, मैंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, मैंने उन लोगों के इवेंट कंपनीज के साथ काम किया। और जहाँ मुझे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह से 10 टाइम्स बढ़ गया था उनका अमाउंट। मेरे पर लोग ट्रस्ट करने लग गए थे, मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई थी, मेरे वेंडर्स की मेरे ऊपर को क्रेडिट देने लग गए थे। अब मैं काफ़ी, मेरा टर्नओवर 50 लाख जो मेरा फर्स्ट ईयर में भी नहीं था, वो थर्ड ईयर आते आते वो 1 करोड़ क्रॉस कर चुका था। मैं एक, वो गोल्डन टाइम था, मेरे पास सेविंग्स होने लग गई थी, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में था, लोग मुझे जानते थे, मेरे बिजनेस का एक नाम था, ओके ट्रैवल्स नाम की मेरी कंपनी है। तो उसके बाद वो 2019 में बहुत सारी अचीवमेंट्स थी, मैंने फिर आईटा सर्टिफिकेशन भी किया, जो कि एक ट्रैवल एजेंट को चाहिए होता है, जो उसके बाद मैं ऑफिशियली एक ट्रैवल एजेंट हूँ। तो वो 2019 कंप्लीट होने के बाद 2020 आया, उसके फर्स्ट क्वार्टर के बाद आप सबको पता है ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का टर्नओवर 0 पे आ गया। देन हम सब लोग घर बैठ गए। देन उसके बाद आप सबको पता है कि एक्सपेंसेस ख़त्म नहीं होते, इनकम ख़त्म हो गई, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। देन ऐसे ही एक दिन इंटरनेट एक्सप्लोर करते हुए मेरे को अपना ऐप का एक ऐड दिखा, मैंने, काफ़ी अट्रैक्टिव ऐप था, कि मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देन उसके बाद मैंने वो डाउनलोड किया, मैंने वो ऐप एक्सप्लोर करी, तब मुझे देखा कि यहाँ सिर्फ जॉब्स नहीं, यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी हैं, जहाँ मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, मेरे को प्रोफेशनल्स मिले, और उसके साथ साथ मेरे को सोशल मीडिया की नॉलेज थी, तो मुझे सोशल मीडिया मैनेजर के ऑप्शन मिलने लग गए। देन मैंने क्या किया, मैंने कम्युनिटीज़ में जाके जो प्रोफेशनल्स थे उनके साथ मैं रात में बैठ के, शाम में बैठ के मैं अपस्किलिंग करता था, उनसे ट्रेनिंग लेता था। देन मॉर्निंग में ही वो सेम चीज़ अपने क्लाइंट्स को भी पिच करता था। तो उसी के थ्रू मैंने 4-5 मंथ्स एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम किया, जब तक लॉकडाउन था। साथ के साथ मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री के प्रोफेशनल भी मुझे वहाँ मिल गए, क्योंकि मेरे जो पुरानी टीम थी वो एकदम से बिछड़ गई थी। तो मुझे ऐसा था कि अब क्या करना था, तो मुझे वहीं पे नए लोग मिले, और इवन मैं एज अ दिल्ली प्रोफेशनल, एक दिल्ली का प्रोफेशनल था मैं, मुझे मुंबई और बैंगलोर से भी लोग मिले जिनके साथ मैंने अपना नेटवर्क बनाया। तो जब लॉकडाउन खुला तो हमने दोबारा काम शुरू किया, 6 महीने बहुत अच्छा काम चला। देन तुरंत आपको पता है पिछले 2 महीने से सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया, तो काम दोबारा बंद है। बट हमने मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मैं एक बिज़नेस से 2 बिज़नेस स्टार्ट हो कर चुका था, बिकॉज मैं सोशल मीडिया मैनेजर एज अ फ्रीलांस करता था, प्लस मेरा ट्रैवल बिज़नेस भी दोबारा रन करने लगा था।
लास्ट में आपको इतना बताना चाहूँगा कि लाइफ में और करियर में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो करियर में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने स्किल्स को हमेशा अपडेट करते रहिए, अपने नेटवर्क को हमेशा स्ट्रांग रखिए और आप साथ के साथ अपडेट भी करते रहिए, बिकॉज़ आपको पता नहीं कि आप एक चैलेंज से ओवरकम करेंगे, सेकंड चैलेंज आपके लिए रेडी खड़ा होगा, क्योंकि हमने किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड जैसी सिचुएशन कभी हमारी लाइफ में आएगी। तो इसमें आपका सबसे बेस्ट तरीका यही है, अपने स्किल्स और नेटवर्क का हमेशा अपडेट रखें। थैंक यू। अभी आपने कहानी सुनी अपने ही जैसे एक इंसान की, जिन्होंने सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़कर अपने करियर में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। देखिए, सच तो यह है कि आज की दुनिया में करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, चाहिए तो सिर्फ जज्बा कुछ कर दिखाने का। आज ऐसे ही एक टूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है अपना ऐप, भारत का सबसे बेहतरीन करियर एंड जॉब सर्च ऐप। 85 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को फ्री में यूज करके अपनी करियर को बनाया है, तो आप भी इसका फायदा क्यों ना उठाएं। अपना ऐप पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं लाखों जॉब्स के लिए, बिना कोई फीस या बिना कोई पेमेंट करे। डायरेक्टली कंपनी से बात करी और अपने इंटरव्यू को शेड्यूल कर लिया। इस ऐप पर आप ग्रुप्स और कनेक्शंस के जरिए अपने नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं, अपने काम के बारे में अपडेट्स शेयर कर सकते हैं और अपने ही फील्ड में काम करने वाले लाखों प्रोफेशनल्स की मदद भी मांग सकते हैं। और तो और, अपने वर्क एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों और डाउट्स का जवाब आपको अपना ऐप पर मिल जाएगा, वो भी आपके ही फील्ड में काम करने वाले सीनियर प्रोफेशनल्स से। तो अब देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही डाउनलोड करें अपना ऐप और अपने करियर में सक्सेस के लिए तैयार हो जाए। एक चीज जरूर याद रखना, अभी ये ऐप भारत के 14 शहरों में उपलब्ध है, मुंबई, दिल्ली NCR, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, रांची, चंडीगढ़, सूरत, हैदराबाद और लखनऊ। जल्दी बाकी के शहरों में भी ये ऐप आपको मिल जाएगा।